हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूलिस्टिक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ एक बेहद खूबसूरत सा इंडोर और आउटडोर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑरोकेरिया की, जिसे कि नॉरफोक पाइन भी कहते हैं, और एक बड़ा मज़ेदार सा नाम भी है इसका, मंकी पजल ट्री। बहुत खूबसूरत सा ये, आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। अगर इस प्लांट को दोस्तों ज़मीन में लगाया जाए तो ये 30 से 40 फीट तक की ऊंचाई ले लेता है। बहुत खूबसूरत सा हाउस प्लांट, जो कि आपके बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा देता है। और इसकी खूबसूरती है दोस्तों इसकी पत्तियों से। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि जितने भी अपने प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग करते रहते हैं, उनका डेड हेड करते रहते हैं। इसके साथ आपको यूँ नहीं करना है, इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग करने से इसकी शेप खराब हो जाएगी और दोबारा ये प्लांट उतना सुंदर नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसकी सुंदरता इसके कोन शेप से है, इसकी भरी भरी पत्तियों से है। अगर एक भी पत्ती इसकी टूटी तो इसकी सुंदरता ख़राब हो जाएगी। अगर टिप पर से इस प्लांट को आपने कट कर दिया या गलती से टूट गया तो ऊपर से या तो दो ब्रांचेस निकलेगी तो काफ़ी भद्दा सा लगेगा। इसलिए आपका ये इसको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी किसी तरीके से कोई कटिंग, प्रूनिंग या गलती से भी आप इसको ना तोड़िए। देखिए बहुत खूबसूरत सी लश ग्रीन ये पत्तियाँ हैं। और आप इसको दोस्तों, मैं तो ये कहूँगी ऐसी जगह रखिए जहाँ आते जाते आप इसके भिड़े नहीं, टच नहीं हो, वरना आपको ये जो पत्तियाँ हैं ये टूट सकती हैं। अब बात कर लेते हैं सॉइल की। तो दोस्तों, इसको स्लाइटली एसिडिक सॉइल पसंद है, वेल ड्रेंड मिट्टी इसको चाहिए। आप जब भी इसकी मिट्टी बनाएं, वेल ड्रेंड बनाएं, जिसमें से गमले में पानी रुके नहीं, सीधा नीचे से जो ड्रेनेज होल है उससे निकल करके नीचे जो प्लेट है उसमें आ जाएगी। देखिए मेरे गमले की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी सी। इसमें मैंने मिलाया है गार्डन सॉइल 40%, 30% सैंड यानी कि बजरी, जो मोटे मोटे से कंकड़ से होते हैं, छोटे छोटे सॉरी, बिल्कुल बारीक बारीक कंकड़ होते हैं वो सैंड, और 30% कंपोस्ट। और थोड़ा सा इसमें आप मिला सकते हैं बोन मील या एप्सम सॉल्ट, जिससे आपका प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी और लश ग्रीन रहेगा। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं काफ़ी जल्दी से बढ़ गए हैं मेरे, और दोनों गमलों में इन्होंने काफ़ी अच्छी हाइट ले ली देखिए, और 2 साल में इन्होंने कमाल की ग्रोथ की है। अब मैं आपको इनकी ग्रोथ का राज बताती हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक प्लांट और है जो इनसे पहले लाया हुआ है, लेकिन उसकी ग्रोथ अभी तक ठहरी हुई है। 2 साल से मुश्किल से उसमें एक बार पत्तियाँ निकलती हैं, और इसमें साल में इस एक प्लांट में तो 2 बार पत्तियाँ निकल गई हैं। इसका रीज़न ये है कि इसको हमने रख रखा है ऐसी जगह जहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की हल्की गुनगुनी धूप इनको मिलती है, और ये धूप पा करके ये पौधे बड़े प्रसन्न हैं और खूबसूरती से ग्रो होते जा रहे हैं। तो आप इसको इंडोर रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, फिल्टर्ड लाइट में रख सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी जितनी ग्रोथ आप अच्छी सी रोशनी में, फुल रोशनी हो, या फिर 1 से 1.5 घंटे की सुबह शाम की हल्की हल्की धूप इनको मिलेगी तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो पौधा आपका जल जाएगा। इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, पार्शियल सनलाइट, जो सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए। अगर इसको आप ज़्यादा धूप में रखेंगे, तेज़ धूप में रखेंगे, तो पत्तियाँ जो है पीली होकर के गिर जाएगी, और आपको इसकी डायरेक्शन भी बदलते रहना है ताकि पत्तियों की ग्रोथ जो है समान रहे, सनलाइट एक ही साइड से मिलती रहे। तो आप इसको घुमाते रहे बार बार, दो मतलब 10-15 दिन से, ताकि इसकी ग्रोथ समान रहे और पत्तियों की लंबाई भी सेम रहे। अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। अगर इसकी अंडर वाटरिंग हो जाती है दोस्तों, तो इसकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ने लग जाती है। तो आप समझ जाइए अंडर वाटरिंग है, आप पानी कम दे रहे हैं। और अगर एक्सेस में वाटरिंग हो जाती है, यानी कि हम इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो इसकी जो पत्तियाँ जो खड़ी खड़ी ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, इनका मूव जो है फ्लो नीचे हो जाएगा, यानी कि पत्तियाँ नीचे की तरफ झुक जाएगी। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसका जो ग्रोइंग पीरियड है दोस्तों, फरवरी से अक्टूबर, उसी समय ये थोड़ा सा बढ़ता है, तो आप फरवरी से सेप्टेम्बर तक आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यानी फरवरी और सेप्टेम्बर में दे तो वो बेस्ट है, या फरवरी से सेप्टेम्बर में अगर आपका मूड हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसका जो डोरमेंसी पीरियड है विंटर्स, उनमें आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आप इसको हर महीने कॉफ़ी का पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, तो आपका ये जो प्लांट है वो हरा भरा रहेगा। और दोस्तों, रिपोर्टिंग आपको इसकी नहीं करनी है, रिपोर्टिंग से आपको बचना है, क्योंकि इसका जो रूट बॉल होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होगी, बहुत बड़ा प्लांट भी होगा तो भी उसकी रूट्स बहुत कम होती हैं। तो जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे या उखाड़ेंगे किसी कारण से, गमला बार बार चेंज करेंगे, तो इसकी रूट्स हिल जाएगी और आपका प्लांट ख़राब होने का डर रहेगा। आप रिपोर्टिंग तभी करें जब रूट बाउंड हो जाए, यानी कि 4-5 साल से आप इसको
रिपोर्ट कर सकते हैं या 3-4 साल से कर सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कि आप हर साल इसको रिपोर्ट करते रहें। बीमारी दोस्तों मैंने आज तक इसमें कुछ देखी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस मकड़ी के जाले लगते हैं इसमें, कई बार मकड़ियाँ हो जाती है, तो आप उसके बचने के लिए आप जो नीम की पत्तियाँ हैं उनको बॉईल करके पानी ठंडा करके उसका आप स्प्रे कर दीजिएगा, मकड़ियों से आपको राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए लश ग्रीन सा खूबसूरत सा प्लांट, एक बार अगर आप अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये काफ़ी सालों तक आपके गार्डन में चमकता रहेगा, सुंदरता बढ़ाता रहेगा। और आप भी मेरे कहने से ये प्लांट लाइए और अच्छे से केयर कीजिए, आपका जो गार्डन है वो हरा भरा रहे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।